राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, सह आचार्य हिंदी विभाग श्रीमती सुलोचना सोनी, बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रमानुसार आज रस सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। रस सिद्धांत में सबसे पहले हम रस के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। रस के स्वरूप और अर्थ विश्लेषण का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। यह इतना ही उलझा हुआ है जितना कि ईश्वर का स्वरूप और उसकी स्थिति। इसका कारण यह है कि रस अनुभव की वस्तु है, अभिव्यक्ति की नहीं। जिसे हम अनुभव करते हैं किंतु सही शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वही सबसे अधिक जटिल और विवश स्थिति कहलाती है। रस रस है, उसे शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। सामान्य जीवन में ऐसी स्थितियां अनेक बार आती है, किंतु जब साहित्य का विद्यार्थी रस की चर्चा करता है तो उसके समक्ष लोक जीवन में प्रचलित रस शब्द और साहित्य में प्रयुक्त रस शब्द दोनों ही सामने आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम रस के सामान्य अर्थ की जानकारी लेंगे। रस शब्द अपने भीतर अनेक अर्थों को लिए हुए हैं। वैदिक साहित्य में रस शब्द के विविध अर्थ प्राप्त होते हैं। उन अर्थों में जल, द्रव्य, वीर्य, सार, स्वाद, विष, मधुर, रिक्त आदि षड रस सोम, पारत, शोषित, सुरा, वाणी तथा परमात्मा आदि प्रसिद्ध हैं। आधुनिक युग में रस शब्द दैनिक जीवन का शब्द हो गया है। आज इसके चार अर्थ प्रचलित हैं। इसके इन चार अर्थों में रस शब्द का मूल भाव छिपा हुआ है। रस का अर्थ विश्लेषण, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पहला है, वैदिक साहित्य में रस का अर्थ द्रव्य, स्वाद तथा गुण है। दूसरा, नाट्यशास्त्र के अर्थ में रस का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है, परंतु उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तीसरा है, वात्स्यायन के कामसूत्र में सर्वप्रथम रस का प्रामाणिक प्रयोग श्रृंगारिक रसों के लिए हुआ है, वहाँ रस श्रृंगार रस की ही पर्याय स्वीकार किया गया है। चौथा है, काव्यशास्त्र में भी रस का अभिप्राय श्रृंगार आदि रसों से ही है। काव्य रस पूरी तरह आनंद का पर्यायवाची है। अगला है, काव्यानंद ऐन्द्रिक आनंद से उत्कृष्ट और ब्रह्मानंद के समकक्ष है, अतः उसे महत्ता प्राप्त है। अगला है, काव्यानंद प्रत्यक्ष अनुभूति न होकर कल्पना से उत्पन्न अनुभूति और मानसिक आह्लाद है। अगला है, काव्य के आस्वादन के लिए अनुभूति की उदात्तता और सामाजिकता की स्वस्थता आवश्यकता एवं अपेक्षित होती है। अब आता है रस का स्वरूप निर्धारण। रस का अर्थ जान लेने के पश्चात रस के स्वरूप को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके संबंध में विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ढंग से रस के स्वरूप को समझा और समझाया है। भरत ने रस के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए अलग से कुछ न कहकर रस निष्पत्ति सूत्र के द्वारा रस को स्पष्ट किया है। भरत मुनि का रस विषयक सूत्र यह है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार प्रेक्षक विविध भागों और अभिनयों द्वारा व्यंजित वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनयों से संयुक्त स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए हर्ष का अनुभव करते हैं। भरत मुनि के मत से तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। स्थायी भाव ही विविध भावों और अभिनयों द्वारा रस को प्राप्त होता है। दूसरा, रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है, वह एक रमणीय भाव मूलक स्थिति है, अर्थात अनुभूति न होकर अनुभव का विषय है। तीसरा, सहृदय का
आस्वाद रस रूप न होकर हर्ष आदि रूपों में प्रकट होता है। इससे स्पष्ट है कि भरत ने नाट्य सौंदर्य के माध्यम से स्थायी भाव की उपस्थिति को रस माना है। यह मत अपने आप में पर्याप्त महत्व रखता है। रस का वास्तविक स्थिति के सही निरूपक और द्योतक तथ्य इस प्रकार है। पहला है, रस आस्वाद रूप है और सहृदय का भोग करता है। यह आस्वाद सत्वोद्रेक की स्थिति में होता है, जिसकी परिणति चित्त की विश्रांति और समाप्ति में होता है। अगला है, रस निर्विघ्न और अखंड होता है। रस चिन्मय, अन्य ज्ञान रहित और स्वयं प्रकाश होता है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है और रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर। इस तरह से भरत मुनि के रस अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालने के बाद हम रस के अवयव यानी अंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रस की अभिव्यक्ति और प्रतीति के चार साधन हैं, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये रस के अंग हैं। इसका विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं। स्थायी भाव, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें अन्य कोई भी दबा नहीं सकता है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव रस का मूल होता है। ये चिरकाल तक अचंचल होकर हृदय में निवास करते हैं। स्थायी भाव मानव चित्त की भावना अथवा संस्कार है। ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। स्थायी भाव में इतनी अधिक शक्ति होती है कि ये अन्य भावों को भी अपने में समेट लेते हैं। इनकी संख्या 11 है, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। दूसरा बिंदु आता है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण, अर्थात सहृदय के चित्त में रति आदि भावों के लोक में उद्बोधक कारक ही विभाव कहे जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है, लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जो जागृत करने वाले होते हैं, वे ही काव्य में वर्णित होकर विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, भावों को की उत्पत्ति का संबंध किसी न किसी बाह्य वस्तु से होता है। सुंदर उपवन में किसी सुंदर स्त्री को देखकर हमारे मन में उसे प्राप्त करने की भावना पैदा हो तो वह सुंदर स्त्री आलंबन विभाव कहलाएगी और जो उसे प्राप्त करना चाहेगा वह आश्रय विभाव कहलाएगा। उद्दीपन विभाव, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात रति आदि भावों को उद्दीप्त करके आस्वाद योग्य बनाते हुए रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीप्त विभाव कहलाते हैं। एक प्रकार से उद्दीप्त विभाव वे परिस्थितियाँ हैं जिनसे भाव उद्दीप्त होता है। तीसरा आता है अनुभाव विभाव। अनुभाव भाव शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से बना है। अनु का अर्थ है पश्चात। इस प्रकार अनुभाव वह है जो भाव के पश्चात हो या जिन बाह्य लक्षणों से भाव का ज्ञान हो, अर्थात भावों की सूचना देने वाले विकार यानी परिवर्तन अनुभाव है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक भाव की परिसूचक शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। वाचिक का अर्थ है वाणी से किया हुआ, जिस कथोपकथन या स्वगत संलाप आदि शब्दों के माध्यम से भाव का ज्ञान होता है वह वाचिक अनुभव है। आहार्य, जब आरोपित की गई या स्वेच्छा से की गई वेश रचना द्वारा भाव की सूचना मिलती है तब उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक, सात्विक का अर्थ है सत्व गुण से उत्पन्न। सात्विक अनुभवों पर आश्रय का कोई वश नहीं होता। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं, स्तंभ, श्वेत, रोमांच, विपथु, स्वरभंग, विवर्ण, अश्रु, प्रलय आदि। अब चौथा बिंदु है संचारी भाव।
जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं वे तो स्थायी भाव कहलाते हैं, किंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आकर हलचल मचा देते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलने वाले, अर्थात संचरणशील भाव। स्थायी भावों के साथ संचरित होने के कारण उन्हें संचारी भाव अथवा व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों के साथ साथ चल सकता है। भारतीय परंपरा के रसवादी आचार्य ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अवहित्ता, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, त्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। इस तरह से यह जो रस का अर्थ और रस का स्वरूप है, इन चारों रस के अवयवों के साथ साथ चलते हैं, उन्हीं के आधार पर प्रेक्षक को रस की अनुभूति होती है। धन्यवाद।